आसमान में गूंजते हेलीकॉप्टरों की धमाक। यमुना के पानी में उतरते सेना के टैंकों का प्रहार। और फिजाओं में गूंजते बम धमाकों की आवाजें। ये उस युद्ध की तस्वीरें हैं जिसे लाल देश के खिलाफ भारतीय सेना के रणबांकुरों ने छेड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर दूर दक्षिण में कृष्ण नगरी मथुरा का आसमान उस वक्त भारतीय सेना के अत्याधुनिक टैंक T-90 और BMP-2 जैसे टैंकों की आवाज से गूंज उठा जब भारतीय सेना ने यमुना नदी के किनारे ऑपरेशन मेघ प्रहार का आगाज किया। दरअसल युद्ध के इस परिदृश्य को युद्ध अभ्यास के नजरिए से सेना ने ऑपरेशन मेघ प्रहार का नाम दिया है। असल बात यह है कि इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय सेना ने देश के अंदर किसी नदी के किनारे किसी युद्ध अभ्यास का आगाज किया हो। अभी तक ऐसी एम्फीबियन एक्सरसाइज केवल सीमा पर ही की जाती रही है। आज जो आपने सामने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, इसको हम युद्ध अभ्यास के हिसाब से बोलते हैं अपोज रिवर क्रॉसिंग। दुश्मन के इलाके में 40 से 50 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आशंका है कि हम लोग को ऐसी नदी पार करने का मौका मिलेगा। इस डेमो के अंदर जो आले इस्तेमाल किए गए थे वो ए व्हीकल्स, वो ड्राफ्ट्स, वो ब्रिजिंग इक्विपमेंट जो भी था वो सब आपने देखा और अपने कैमरा में कैच किया है। ये जो मिनी ट्रेनिंग एरिया है मथुरा कैंट का, ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए यहाँ पे बीएमपी के साथ रोटेशन करने का और युद्ध अभ्यास जो आपके सामने सफल हुआ है उसको प्रैक्टिस करने का, रिहर्स करने का और अंजाम देने का। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस दुश्मन के इलाके में घुस के जो भी टास्क हमारे सामने आएगा उसको हम बखूबी निभाएंगे और पूरा करेंगे। युद्ध अभ्यास मेघ प्रहार के लिए यमुना नदी के पार वाली जमीन को लाल देश का नाम दिया गया था। जिसे दुश्मन का टारगेट बताया गया और यमुना के दूसरे पार वाली जमीन को भारतीय सेना के नीले देश के रूप में विकसित किया गया। नीले देश की जमीन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले हेलीकॉप्टर की मदद से रेकी वॉरियर्स को लाल देश की सरजमी पर भेजा गया। रेकी वॉरियर्स की खासियत ये होती है कि वो दुश्मन के इलाके में 24 से 48 घंटों तक छिपे रहकर अपने सुरक्षित ठिकाने बनाने में माहिर होते हैं। स्पेशल फोर्सेस के ये कमांडो सबसे पहले दुश्मन सेना के बंकर और सामरिक महत्व के ठिकाने को निशाना बनाते हैं। जिससे दुश्मन को शॉक इफेक्ट दिया जा सके, लेकिन ये कमांडो किसी भी जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकते, क्योंकि दुश्मन जवाबी कार्रवाई में हमला कर सकता है। ये जो आपकी तैयारी है किस ऑपरेशन के लिए तैयारी है, क्या डेमो है? हमने जैसे डेमो में देखा कि हमारे पानी में उतरे थे ऐसी भी, तो अगर किसी इंचुअलिटी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा डाइवर पूरा ट्रेंड है अंडर वाटर जाके रिकवरी करने के लिए, क्रू को बचाने के लिए और इक्विपमेंट को बाहर निकालने के लिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इक्विपमेंट पे हुक लगाना पड़ जाता है, तो हमारे पास वेल्डिंग और कटिंग फैसिलिटीज़ दोनों है। ये पूरा ट्रेंड है अंडर वाटर डाइविंग के लिए और अंडर वाटर जाके वेल्डिंग कटिंग सब करने के, ये इसको ट्रेन किया गया है नेवी के साथ और ये फैसिलिटी अभी हम ईएमई के पास है। ये तो जैसे जब अभी परिस्थिति आती है तो अंदर पानी में किस तरह से काम करते हैं? आपने देखा होगा इसके पीछे ऑक्सीजन टैंक लगा हुआ है, ये अंडर वाटर जाएगा, ये स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट है, अंडर वाटर ये ब्रीथ कर सकता है, इसकी इंड्योरेंस ऑलमोस्ट आधा घंटा है, टैंक के साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं ये है हमारा डीसी वेल्डिंग प्लांट, जिसके हेल्प के साथ ये अंदर जाके वेल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। इसका मेन जो इसका एम है उसको जाके जो क्रू अंदर है उसको सेव करना और इक्विपमेंट को बाहर निकालना। सेना इस युद्ध अभ्यास मेघ प्रहार में बीएमपी का जमकर इस्तेमाल करती है। दरअसल मेघ प्रहार जैसे एम्फीबियन एक्सरसाइज के लिए ये रशियन इक्विपमेंट बीएमपी काफी मुफीद माने जाते रहे। इसका पूरा नाम बोइविया मशीना पेखोटे है, जो टैंक की तरह दिखती है। ये बीएमपी विकेट नदी नालों को आसानी से पार कर सकती है। बीएमपी बड़े ही गुपचुप तरीके से दुश्मन के इलाके में घुस जाती है। कभी कभी ये पनडुब्बी की तरह से पानी के अंदर भी चलती है। क्रॉस रिवर एक्सरसाइज के लिए बीएमपी किसी भी सेना का अचूक हथियार मानी जाती है। स्ट्राइक को किसी भी सेना की वो घातक हथियारों से लैस टुकड़ी होती है जो सीधे दुश्मन की धरती पर घुसकर दुश्मनों का सफाया करती है। स्ट्राइक को सेना की सबसे घातक मारक क्षमता वाली कोर होती है, जो असल युद्ध में सबसे आगे काम करती है। बाकी सैनिक कोर्स हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन स्ट्राइक कोर दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन का सफाया करती है। भारतीय सेना की सबसे घातक टुकड़ी मथुरा में है और इस तरह के युद्ध अभ्यास इस टुकड़ी के जाबाज जवानों में एक नई ऊर्जा भर देते हैं। एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है बीएमएस का, और इस बीएमएस इक्विपमेंट की मदद से हम नदी के पार जो आर्मर्ड है, मतलब जो टैंक है, उसको दुश्मन के इलाके में ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये T-90 टैंक अभी जो नदी के पार है वहाँ जाकर दुश्मन के एरिया में गहराई में जाकर दुश्मन को नष्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑपरेशन मेघ प्रहार में T-90 टैंकों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। क्योंकि असल युद्ध में टिके रहने के लिए T-90 जैसे टैंक सबसे कारगर हथियार माने जाते हैं और इस घातक टैंक को दुश्मन के लाल देश तक पहुंचाने के लिए नदी में सेना ने एक खास तरह के राफ्ट का इस्तेमाल किया। मथुरा में सेना के किनारे, मथुरा में यमुना के किनारे लगभग एक घंटे तक चले सेना के युद्ध अभ्यास मेघ प्रहार में सेना की हिसार ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के टैंकों और बीएमपी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन सब में खास बात यह रही कि इस युद्ध अभ्यास में सेना की उस सबसे घातक मारक क्षमता वाली स्ट्राइक कोर ने हिस्सा लिया जो असल युद्ध के समय दुश्मन की जमीन में घुसकर दुश्मन का सफाया करती है। ये तैयारी दिखाती है कि हमारी भारतीय सेना किस तरीके से दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को माकूल जवाब दे सकती है। हमारे जाबाज जवानों की उन खतरों के लिए जवाबी तैयारी है जिसे देखकर दुश्मन के दांत तक खट्टे हो जाएं। यमुना के पानी में भारतीय सेना के इन जवानों का ये वो पराक्रम है जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने तक छूट जाएं। अब आपको बीएमपी टैंक की खासियत बताते हैं। सेना का बीएमपी टैंक देखने में किसी टैंक की तरह ही दिखता है, लेकिन ये हथियार क्रॉस रिवर ऑपरेशन के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। इस टैंक में लगभग 10 सैनिक सवार हो सकते हैं। पानी के अंदर ये टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। यमुना नदी में भारतीय सेना ने ऐसा युद्ध अभ्यास इसलिए किया क्योंकि 1965 में भारतीय सेना पाकिस्तान की नहरों को क्रॉस कर पाकिस्तान की सरजमी तक पहुंच गई थी, लेकिन उस वक्त भारतीय टैंक पाकिस्तान नहीं पहुंच पाए थे। भारत माता की जयकारों के बीच भारतीय जाबाज जवानों ने लगभग 1 घंटे तक युद्ध अभ्यास किया। इस तरह के युद्ध अभ्यासों में इस बात की प्रैक्टिस की जाती है कि असल युद्ध के समय हमारे टैंक और हमारी बीएमपी कम से कम समय में दुश्मन के किसी भी नदी नालों को पार कर दुश्मन की जमी के अंदर पहुंचकर दुश्मन को बर्बाद कर सके। ऑपरेशन मेघ प्रहार के जरिए भारतीय सेना ने देश की जनता के साथ साथ दुश्मनों को भी ये बता दिया कि अब अगर दुश्मन जमी पर पानी के जरिए नदी नालों के जरिए किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो भारतीय सेना पीछे हटने वाली नहीं है। वो दुश्मन को बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। बीएमपी टैंकों के जरिए भारतीय सेना दुश्मन की जमी पर पहुंचेगी और वहां भी शान से लहराएगा तिरंगा झंडा।